नमस्कार, आप भारत मित्र लाइव देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ दीपक कुमार। आइए अब तक की कुछ खास खबरों पर नजर डालते हैं। अनीस हत्याकांड मामले में हाईकोर्ट से स्वतः स्फूर्त मामला दायर करने की अपील। निकाय चुनाव में सुरक्षा की मांग को लेकर हाईकोर्ट की शरण में पहुंचे कई भाजपा उम्मीदवार। भवानीपुर के कारोबारी के हत्यारे को पकड़ने के लिए पुलिस ने इनाम की घोषणा की। हत्याकांड की जांच कर रहे सीबीआई के खिलाफ अदालत पहुंचा मृतक का भाई। मरीज के परिजनों ने लगाया आरोप, कहा सेवा के नाम पर राज्य के सरकारी अस्पतालों में वसूली जा रही है रंगदारी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दी बधाई, कहा हम सभी भाषाओं से प्यार करते हैं। पुलिस अपनी मर्जी से शुभेंदु अधिकारी के घर या घर के बाहर कैमरे नहीं लगा सकती, हाईकोर्ट ने दिया निर्देश। चारा घोटाले के पांचवें मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को 5 साल की कैद, भरना होगा 60 लाख जुर्माना। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में प्रियंका गांधी ने किया रोड शो, पीएम मोदी पर साधा निशाना। राहुल गांधी यूपी के पांचवें चरण के चुनाव प्रचार में आ सकते हैं नजर। 3 मार्च को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समाजवादी पार्टी के समर्थन में बनारस में करेंगी रोड शो। कर्नाटक के शिमोगा में बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या के बाद गरमाया माहौल, अब तक 2 गिरफ्तार। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा 2014 के वादों को भूल गए हैं प्रधानमंत्री। उत्तर प्रदेश के बांदा में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा 10 मार्च के बाद अखिलेश यादव का बयान होगा, ईवीएम बेवफा है। अखिलेश यादव ने कहा हर चरण में जनता आपस में मुकाबला कर रही है। यूपी के हरदोई में योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर लगाया तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल लखनऊ पहुंचे, राजधानी और बाराबंकी में जनसभा को करेंगे संबोधित। कई ट्रेनों के सुचारू रूप से चलने के लिए कवच नाम का एडवांस सिग्नल सिस्टम स्थापित करेगा रेलवे। 23-24 फरवरी को रूस की यात्रा करेंगे इमरान, 2 दशक बाद पाकिस्तानी पीएम का यह पहला दौरा। अब तक के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए भारत मित्र लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।